कई लोग आपके तारे बताते हैं, आपके ग्रह बताते हैं, सवाल को समझोगे जवाब दे पाओगे, स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, कि भाई तुम्हारी जिंदगी में ये होगा, मनुष्यों की जिंदगी से संबंधित बातें बताते हैं, वेरी नाइस। एस्ट्रोनॉमी अगला सवाल, ये गलत है, सही ऑप्शन एस्ट्रोलॉजी। जब ग्रह नक्षत्र तारों का हम पर प्रभाव पड़ेगा तो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उनका आपस में अध्ययन पूरे यूनिवर्स के तौर पे, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। बायोलॉजी और जियोलॉजी, ये आपको पता होगा, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, हॉल्ट, वेरी नाइस ऑप्शन नंबर। अगला, टेम्पररी स्टे के लिए होता है सोजन, थोड़े समय का स्टे, और हॉल्ट जो होता है अचानक से किसी चीज का रुकना, तो हॉल्ट आंसर नहीं है, सही आंसर है सोजन। इंटरमिशन ब्रेक होता है, जैसे मूवी आप देखते हो इंटरल्यूड, दो घटनाओं के बीच का जो टाइम पीरियड होता है इंटरल्यूड कहा जाता है। मिस्टर शर्मा वाज स्टबर्न दैट हिज सन विल अटेंड कोचिंग क्लासेस, वेरी नाइस, डाउटफुल, उन्हें शक था। अब ये वीडियो कितना सही है और कितना गलत है, इसका फैसला आपको करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक दो गलतियों के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता, बात गलत पढ़ाने की है। जितनी इंग्लिश ये पढ़ा रही है, कल को आप भी उतनी इंग्लिश पढ़ाने लगोगे तो आप इंग्लिश के टीचर नहीं बन सकते हो। 200 या 2000 बच्चे आपको जानने लगेंगे तो इससे आप इंग्लिश के टीचर नहीं बन जाओगे। बात लॉजिक और एक्सप्लेनेशन की है, जो आपके पास नहीं होगी अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दोगे, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कुछ सीखना होगा, कुछ पढ़ना होगा। वो चीज इनके भी सिंगल वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा, आप जाके कोई भी एक सिंगल वीडियो देख लीजिएगा। मैं बस इसकी बात कर रहा हूं, मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरे अंदर किसी टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं। कल को मैं गलत पढ़ाऊंगा तो मेरी भी वो सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, फिर मैं उस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, सही ऑप्शन हो जाएगा डिटरमिन, डाउटफुल कभी ऑप्शन बन ही नहीं सकता है। धन्यवाद।